नियत आम नमाजों की नियत की तरह नहीं होती, क्योंकि ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें होती है। इसीलिए आप ईद की नमाज की नियत इस तरह से करें: नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की जायद 6 तकबीरों के साथ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के। तकबीर कहना, कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े। सना इस तरह से पढ़ना है: सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका तबारकस्मुका वताआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अब 3 जायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। इसके बाद इमाम खिरत करेंगे, खिरत को गौर से सुने और रुकू सजदा करेंगे। इस तरह पहली रकात मुकम्मल होगी। फिर सजदे से उठते ही दूसरी रकात में पहले इमाम खिरत करेंगे और रुकू को जाने से पहले 3 जायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। इसी तरह से तीसरी तकबीर पर भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। यहाँ तक जायद तकबीरें मुकम्मल होंगी। अब इसके बाद बगैर हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। फिर इसके बाद हस्बे मामूल सजदे, तशहुद और सलाम करेंगे। यहाँ पर ईद की नमाज मुकम्मल होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और